अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिगर नॉन वेज के। बिल्कुल यमी सा शामी कबाब, जो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये नॉन वेज नहीं है, ये है सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन से हम बनाएंगे यमी सा शामी कबाब। तो यहाँ मैंने दाल को 3 घंटे भीगने रख दिया था। आप ज़रूर से ट्राई करें, जब भी बनाएं 1 घंटा ज़रूर दाल भीगा हुआ रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैंने सोयाबीन को अच्छे से पानी में सोख करके रख दिया था, भी अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ मैं कुकर में डाल रही हूँ चने की दाल, सोयाबीन और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हरी मिर्ची, नमक। हरी मिर्ची अगर आप नहीं डाल रहे तो आप सूखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट उससे भी आएगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर कर गरम मसाला, 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच और डालूँगी मैं। और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच हल्दी। जी हाँ, हल्दी। ये मसाले बहुत ही अमेजिंग इसके साथ जाते हैं। और यहाँ 1/2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है बस। अब यहाँ मैं 1 कप इतना पानी डाल दूँगी जब तक कि दाल अच्छे से कुक हो जाए, बस गल जाए। तो 2 सीटी में ही ये बहुत अच्छा गल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल झटपट सी रेसिपी है, ना आपको कुक करने में टाइम लगेगा और ना ही फ्राई करने में। तो यहाँ देखिए मैंने दाल निकाल लिया ठंडा होने, आप इसमें देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पानी है, मॉइस्चर है। और सूखने के बाद देखिए अब इसमें सूख गया है, अब मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसको आप पीसेंगे ना, बहुत अच्छे से पीस जाएगा। चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। देखिए मैंने पीस लिया। आप इसमें थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, इससे आपके जब आप बना कर खाएँगे ना, मुँह में जब आएगा ना तो बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है, थोड़ा दरदरेपन का। यहाँ देखिए मैं खूब सारा हरी धनिया डाल के इसको मिक्स कर ले रही हूँ। और इसकी गोल गोल टिक्किया बनाकर मैंने साइड में रख लिया है कबाब बनाकर। ये बहुत ही सिंपल क्विक रेसिपी है गाइस, इतना जल्दी बनता है। तो चलिए अब इसको मैं अंडों में डिप करके फिर फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने अंडे लिए हैं, उसको फेट लिया है, अच्छे से फेटा है, बिल्कुल बढ़िया सी। आप फेटने के बाद उसमें डिप करके और फिर फ्राई करें। तो चलिए अंडे में फेट ले रही हूँ, आप भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल अमेजिंग सी रेसिपी। ये नॉनवेज नहीं है और नॉनवेज जैसा टेस्ट देगी। अंडे की वजह से थोड़ा नॉनवेज टेस्ट आ जाता है, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं अंडे में डिप कर रही हूँ, उसके बाद मैं गरम पैन में ऑयल गरम किया उसमें डाल दूँगी और फटाफट से सारे मैं कबाब्स को तल लूँगी। ये देखिए हो गया हमारा एक साइड, अब इसको दूसरी साइड पलट लूँगी फटाफट से। चलिए हमारे कबाब्स बिल्कुल बढ़िया से रेडी होने वाले हैं। तो देखिए गाइस मेरे कबाब्स रेडी हो गए, कितने यमी से माशाल्लाह लग रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे हरी धनिया और नींबू के साथ। आप चाहें तो इसके साथ हरी पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गया कबाब, बहुत ही क्विक रेसिपी है गाइस। और ये डाइट वालों के लिए भी बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें सोयाबीन है, मटर नहीं है। और आप चाहें तो बटर में इसको थोड़े थोड़े बटर में फ्राई कर सकते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, लो फैट बटर होना चाहिए। चलिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में।